मोहब्बत को जाने बिना हम मोहब्बत कर बैठे। लेडीज एंड जेंटलमैन, गर्ल्स एंड बॉयज, वेलकम माई यूट्यूब चैनल दिलकशन ब्लॉग। सो आई होप यू ऑल आर फाइन। भाई मिनी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। अभी मैं लगभग गाजीपुर बॉर्डर की तरफ जा रहा हूँ, क्योंकि क्या एक्चुअली हुआ क्या, 1:30 बजे हमारी छुट्टी हो गई थी कॉलेज की, और बस का इंतजार करते करते लगभग 2:04 हो चुके हैं अभी। और मैं इधर ही भाई काफ़ी इंतजार करने के बाद हमने सोचा क्यों नहीं यहाँ से बस नहीं मिल रही है, तो हमने सोचा गाजीपुर बॉर्डर से बस ले लेते थे। तो भाई साहब ये वहाँ तक का सफ़र, ये मेरे कॉलेज के बस स्टैंड से लेकर के गाजीपुर का सफ़र काफ़ी बढ़िया होने वाला है, तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए। अच्छा हमको सिखा रहा है। ये देखिए रोड क्रॉस के लिए रैंप है और इस पे हम चढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए ऊपर चलते हैं। अब हम फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं यहाँ के व्यू की, तो व्यू काफी लाजवाब है। देख सकते हैं आप नीचे कुछ इस प्रकार से गाड़ियां चल रही है और मैं ऊपर हूँ, और जो रोड क्रॉस करने के लिए पैदल पथ बोले हैं कुछ अलग बोले तो उस हिसाब से है यहाँ पे, और काफ़ी मज़ा आ रहा है यहाँ पे। बहुत सारी रील्स बनाई गई है हमारे भाई के द्वारा, देखिए ये हमारे दोस्त के द्वारा बहुत सारी रील्स बनाई गई है। और सुबह नहा के आया था भाई, गर्मी मैं नहीं मानता बहुत ज़्यादा हो रही थी, इसलिए हमने जैकेट वैकेट सब उतार दिया। यहाँ पे देखो धूप सेकने के लिए काफ़ी बेहतरीन जगह है यहाँ पे, और आप यहाँ पे धूप सेक सकते हैं। मैंने तो सोच रखा भाई ये रास्ता हमारे घर तक जाता है, इसलिए मैं जो ना सर्दियों में नहा के इधर ही धूप सेकने आया करूँगा भाई। मेरे को तो ऐसा ही लगता है, देखिए मेरी जैकेट इसके पास है भाई, काफ़ी मज़ा आ रहा है वैसे तो। मैं तो भाई चलो भाई चलते हैं यार, बहुत हो गया, बहुत बकचोदी कर लिया घर। क्या नहीं क्या बोला तूने, नहीं पहले क्या बोला, चल चल। देखिए फ्रेंड्स आपके फ्रंट डोर पे ये खाई है, मेरे को डर लग रहा है इतना ये थूक रहा है, थूक थूक दोबारा थूक तो करना। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर, हमारी पावर है, हमारी पावर है। जब तक हम कह रहे थे करो 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 करो, तो कह रहे थे तुम करो, आज हमने कर दिया तो कह रहे हम करेंगे, तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे। ये जंगल काफी मजा आ रहा है वैसे घूमने में। सफर जो है ना काफी तवील हो चुका है फ्रेंड्स, इन्होंने बताया कि भाई एक आज शेर व शायरी हो जाए, तो हमने सोचा क्यों नहीं कि आज थोड़ा शेर व शायरी कर लेते हैं। तो बताओ किस प्रकार की शायरी करें आज, ऐसे कॉलेज से घर जा रहे हैं तो कोई सफर पे शायरी हो जाए तो बड़ा पेश के सफर पे हो जाए तो वैसे, लेकिन सफर पे है नहीं, फिर भी ट्राई करता हूँ एक, शायद मैंने सुना रखी है आपको, लेकिन फिर भी दोबारा सुन लो, अगर ये सुन रखी तो एक और बोल दूंगा मैं, जैसे दो सुनाऊंगा आपको कि मोहब्बत को जाने बिना हम मोहब्बत कर बैठे। मोहब्बत को जाने बिना हम मोहब्बत कर बैठे, न सोचा न समझा ये दिल गवा बैठे। वाह, चले थे हम मुस्तकबिल बनाने के लिए, लेकिन ये मुस्तकबिल तो ना बना, ये दिल बना बैठे। वाह वाह क्या बात है, बढ़िया ना। अरे बढ़िया, ऑसम। और सुना, एक और सुना दूं, एक और पेश किया जाए। चलो भाई की तरफ से एक और पेश किया जा रहा है, तो के सुना है नींद में वो चौंक चौंक कर किसी का नाम लेते हैं। क्या बात है, वाह वाह। नींद में वो चौंक चौंक कर किसी का नाम लेते हैं, लहू के दाग पे जिन पे उनका नाम लेते हैं। यहाँ पे मैं कहना चाह रहा हूँ इस प्रकार से कि लहू के दाग, यानी कि जो जिसने दिलों का कत्ल करा हो, दिल जिसका तोड़ा हो, के लहू के दाग थे जिसपे उसका नाम लेते हैं, और अपने अपने और अपने दोस्तों से कह दो कि दूरियां बना ले उससे। क्या अपने दोस्तों से कह दो कि दूरियां बना ले उससे, क्योंकि वो जिसका भी नाम लेते हैं सरेआम लेते हैं। क्या बात, मजा ही आ गया नाजिम, समझ रहे हो भाई साहब। व्यू की बात करो तो व्यू तो काफी लाजवाब हो रहा है। देखिए आपके सामने ये मेट्रो जा रही, फ्लाई मेट्रो ही है ना ये भाई, मेट्रो जा रही है, काफी लाजवाब है। यहाँ से देखिए, ये देखिए 319 जा रही है। सफर
सफर का ही था मैं सफर में रहा। अभी भी हम गाजीपुर क्रॉसिंग पे पहुंचे हैं और पहुंचते हैं उसके बाद बताता हूं भाई कैसा सफ़र होता है हमारा, कैसा रहा सफ़र। भाई थोड़ा सा ही सफ़र रहेगा लेकिन काफ़ी तवील बना दिया हमने इस चीज़ को और काफ़ी मज़ा भी आ रहा है। तो आप लोग धैर्य रखिए, पैशन रखिए। What? Bro, what are you talking about, man? तो पेशेंस रखिए, उसके बाद आपको मैं दिखाता हूँ आगे का व्यू। कि देख पा रहे ये शख्स भी मेरे साथ आज तवील सफर के मुसाफिर हो चुके हैं और ये साथ में ही है, काफी मजा आ रहा है। तो मैं इनको थोड़ा इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ अपने साथ। भाई कैसा लग रहा है आपको आज, कैसा फील हो रहा है? बहुत बढ़िया आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। मतलब इतने टाइम बाद पैदल यात्रा पद यात्रा कर रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। लेकिन अब ये हर सोच खाना टाइट हो रही है कि बहुत दूर है रास्ता। लगभग कितने किलोमीटर में चल रहे? 800 मीटर लगभग हमें चलना पड़ेगा, ऐसे कुछ 800 मीटर हाँ मान सकते हैं, 800-900 मीटर, मतलब एक किलोमीटर मान के चलिए कि हमें चलना पड़ेगा अभी। और फ्लाईओवर के पास है हम, इस तरीके से कुछ फ्लाईओवर है। और सैफ भाई भी हमारे साथ है आज, बताइए सैफ भाई कैसे हो? भाई बढ़िया, मजा आ रहा है चलने भाई, सर्दी इतनी है, मजा आ रहा है। आज भाई साहब नहा के आया था घर से, इसलिए धूप में धूप सेकने का भी मजा आ रहा है, समझ लो इस चीज को। काफी फीलिंग अच्छी हो रही है और बहुत सारे कॉलेज के स्टूडेंट थे वो तो पहले ही निकल गए, लेकिन मैं भाई क्लास का सीआर हूँ तो मेरे को सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ती है थोड़ी, इसलिए थोड़ा। बाकी ये बंदे मेरे को हमेशा सपोर्ट करते रहते हैं, काफ़ी अच्छे हैं और पढ़ाई के मामले में इंटेलिजेंसी काफ़ी अच्छी है इनके अंदर, काफ़ी मज़ा भी आ रहा है। वैसे चलिए व्यू पे ध्यान देते हैं, इसके अंदर भी तो काफ़ी ज़्यादा है। छोड़ो पुरानी बातों को, हिला हिला के थोड़ा, सॉरी छोड़ो छोड़ो। देखिए आपके फ्रंट ऑफ पे ताज अपार्टमेंट दिख रहा होगा आपको कुछ इस प्रकार से, काफी बढ़िया व्यू है। गाजीपुर विलेज में पहुंचने बहुत थोड़ा सा ही दूरी पे है, देखते हैं पहुंचते हैं। सो फ्रेंड्स फाइनली वी आर रीच्ड एट बस स्टॉप गाजीपुर विलेज। सो अब आपका सफर यहीं तक का था, यहीं तक का रखते हैं, यहीं तक का सफर था। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जय हिंद जय भारत, जब तक के लिए बाय।